हेलो स्टूडेंट्स, वी आर K3IS। वी आर बेस्ड इन इंदौर। ये हमारा एड्रेस है, 57A शीतल नगर, एंड ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8103144388। तो वी आर कंडक्टिंग अ फ्री टेस्ट सीरीज़ फॉर MPPSC प्रीलिम्स 2020। ठीक है, इसकी डेट है, जो प्रीलिम्स की डेट है वो है 11 अप्रैल 2021। ओके, सो हमारी जो फ्री टेस्ट सीरीज़ है, इट इज़ टेस्ट सीरीज MPPSC की, MPPSC प्रीलिम्स 2020। ठीक है, ये जो टेस्ट सीरीज है ये चालू होगी 7 मार्च से। ठीक है, यदि आप 7 मार्च 2021, अगर इसके बाद ये वाली वीडियो देख रहे हैं, तो डोंट वरी, आप क्या करिए, हमें व्हाट्सएप करिए हमारे नंबर पे 8103144388। इस पे आपको हमें व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप में आप अपना नाम भेजिए या ये चीज़ बताइए कि आपको क्या चाहिए, आप रजिस्टर करना चाहते हैं इस टेस्ट सीरीज में। तो जैसे ही आप ये इस पे व्हाट्सएप करेंगे, एक लिंक आएगी रजिस्ट्रेशन के लिए, फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपको फर्स्ट पेपर से, मतलब देखिए, क्योंकि टोटल है यहाँ पे 11 पेपर्स, ठीक है, सब फ्री है। इन 11 पेपर्स में आप जैसे ही रजिस्टर करते हैं, आप भले ही 11 मार्च को रजिस्टर करिए, तो आपको फर्स्ट पेपर के बाद, मतलब एक के बाद एक पेपर मिलना चालू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट पेपर किया आपने, जैसे 7 मार्च को, ठीक है, जो 7 मार्च को हमारा फर्स्ट पेपर वो है यूनिट 1 का। ठीक है, तो आप ये सॉल्व करिए, जैसे ही ये सॉल्व होता है आप फिर से उस पर सिर्फ व्हाट्सएप पे भेज दीजिए कि आई वांट सेकंड पेपर, ठीक है, आई वांट थर्ड पेपर, जो भी है वैसा आपको पेपर लाइन वाइज मिलते जाएंगे। देखिए यहाँ पे ऐसे हमने इस टेस्ट सीरीज को डिज़ाइन किया है। दरअसल पूरी टेस्ट सीरीज जो सिलेबस दिया हुआ है MPPSC के नोटिफिकेशन में, अकॉर्डिंगली ही पूरी डिज़ाइन की गई है। जैसे देखिए आप, हमारी जो टेस्ट सीरीज, जैसे मैंने बताया कि 7 मार्च से चालू हो रही है, तो इस 7 मार्च से स्टार्ट होकर, जैसे 7 मार्च को यूनिट 1 होगा जिसमें हिस्ट्री कल्चर लिटरेचर ऑफ MP है। उसके बाद है 2nd 9th मार्च को, उसमें है यूनिट 2 जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आप देखेंगे कि पूरा हिस्ट्री जो है इंडिया का, राइट फ्रॉम द हड़प्पा टू मॉडर्न जो है हिस्ट्री, वहाँ तक दिया हुआ है, इवन पोस्ट इंडिपेंडेंस। हाँ, ये भी ध्यान रखिए। उसके बाद है 12th मार्च को यूनिट 3 ज्योग्राफी ऑफ MP, ठीक है। 14 मार्च को है यूनिट 4 जिसमें ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ठीक है, इसमें 3rd में MP है, 4th में वर्ल्ड एंड इंडिया, ठीक है। 17 को होगा, अब इसमें देखिए आप छुट्टी कितनी है, ठीक है। 17 को है यूनिट 5 कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी ऑफ MP, मतलब MP का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर किस टाइप से है, यहाँ पे क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है वगैरह, ये सब चीज़ें, प्लस इसकी इकोनॉमी कैसी है MP में, ये सब चीज़ें आएगा। और अभी तक एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रीलिम्स में ज़्यादातर MP में इकोनॉमिक्स से ज़्यादा नहीं आता था, स्पेशली इन प्रीलिम्स, ठीक है, पर यहाँ पे स्पेशली एक टॉपिक डाला जा रहा है, इसलिए हमें इस पर फोकस करना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद है 19 मार्च का यूनिट 6 विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। उसके बाद है 22nd ऑफ मार्च यूनिट 7 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें हमने कोशिश करी है कि मोस्ट ऑफ द जो भी सिलेबस के, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन डाले जाए जो कि आपको पेपर में रिफ्लेक्ट ज़रूर दिखें, ठीक है। उसके बाद है 26th ऑफ मार्च को करंट इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे दरअसल आप देखेंगे कि 28 की धुड़े वो होली है, और 29 की जो, मतलब 28 को होली जलाते हैं और 29 को खेलते हैं, तो ये हमने यहाँ पे गैप दिया है एक 30 का, फिर 31 को आप देख सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ मैं बताऊँ, होली दिवाली बाद में बनाना भाई, पहले सिलेक्शन ले लेना अपना, बता रहा हूँ, ठीक है। तो 31 मार्च को अपना यूनिट 9 रहेगा, ये होगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। उसके बाद है अपना लास्ट पेपर, वो है 3rd अप्रैल को यूनिट 10 नेशनल एंड रीजनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है। इसके बाद एक हमने टेस्ट रखा है FLT 6th ऑफ अप्रैल को। FLT है अपना फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट एक्चुअली हमने चार्जेबल रखा है, इट इज़ 100 रुपीज ऑफ चार्ज, 100 रुपये चार्ज रखा है हमने।
इट इज़ फॉर सीरियस स्टूडेंट्स। अगर कोई आप लोग भी अगर आपको देना चाहते हैं ये, तो बकायदा आप इसमें 100 rupees आपको पे करना होगा। बाकी ये पूरा जो यूनिट 10 तक मतलब जो 10 टेस्ट है, दीज आर टोटली फ्री, ठीक है। आप जब रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाएंगे और रजिस्टर करेंगे, तो आपको एक लास्ट में एक ऑप्शन आएगा कि आर यू प्रिपेयर फॉर फुल लेंथ टेस्ट। अगर आप फुल लेंथ टेस्ट पे येस करते हैं तो यू हैव टू पे 100 rupees, और अगर आप नो करते हैं तो आप जो फ्री टेस्ट सीरीज है वो दे के पूरी टेस्ट सीरीज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ओके।